जय श्री राम। ये वाला घर का भी थोड़ा बहुत प्लानिंग चल रहा है। बाथरूम ऑलरेडी सब सेट है, पूजा हो गया, नामकरण 2-3 दिन में करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, स्टेशन डेली सेवा रे फुल नमस्ते। दिस इज योर दर्शन थमांग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दर्शन व्लॉग्स। तो गाइज, आज तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा जय श्री राम। तो गाइज, आप लोग भी हमारे साथ बोलिए एक बार जय श्री राम, क्योंकि आप लोग बताए गाइज, आज अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर मतलब ओपनिंग है। श्री राम जी का मंदिर में आज पूजा है, वहां पर उनका मूर्ति स्थापना आज है। नॉट ओनली सनातन धर्म गाइज, पूरे जितने भी इंडिया में जितने भी धर्म है, सब धर्म के लिए वो ये बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि मैं भी एक बुद्धिस्ट धर्म से बिलोंग करता हूँ, बीइंग अ बुद्धिस्ट मैं भी एक हिंदू धर्म को भी फॉलो करता हूँ। सो गाइज, मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। एंड गाइज, आज ना पूरे इंडिया में मतलब नॉट ओनली इंडिया, पर इंडिया से बार बार भी लोग आज पूजा करेंगे, दिया जलाएंगे एंड बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स है। एंड अयोध्या में तो क्या ही बताओ गाइस, वहां तो आज बहुत ज्यादा भीड़ होने वाला है, बहुत ज्यादा भक्तों का वहां तो पूरा आज तो भीड़ भड़ाका होने वाला है। तो चलो गाइज, आज ऐसे विलेज में थोड़ा बहुत प्रोग्राम है, शाम को ऐसे दिया विया जलाएंगे। गाइज, आज जैसे आज के शुभ मुहूर्त में ना हमारे जो डैडी जी का नया गाड़ी लिया था बुलेरो पिकअप वैन, उसका भी थोड़ा पूजा वूजा करना है, तो बहुत ही अच्छे मुहूर्त है। एंड गाइस, जब पिछले बार मैंने थार लिया था तब तो शिवरात्रि पूजा का अच्छा मुहूर्त था, इस बार डैडी जी का गाड़ी के टाइम में ये राम जी का मंदिर का अच्छा मुहूर्त निकल गया, तो दोनों गाड़ी के लिए बहुत ही अच्छा टाइमिंग हो गया गाइस। तो चलो गाइस, कल मैंने थार यहाँ पर रख लिया था, तो अभी यहाँ थार को निकालेंगे, फिर डैडी जी का गाड़ी यहाँ पर रहेंगे, फिर पंडित जी भी आने वाले हैं, तो गाइस पूजा वूजा करेंगे अभी। हेलो डैडी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सब जनालाय, गुड मॉर्निंग। आज का शुभ साहित्य में सब सबको आशीर्वाद। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं तो सुबह बोल दिया, सुबह भजन वजन लगाया। हाँ। आज तो गाड़ी का पूजा है ना। हाँ। आज कोई मुहूर्त देखने वाला नहीं दिखना पड़ेगा। अयोध्या में राम का जो घर मंदिर आज से ओपनिंग हो रहा है ना, हम भी करेंगे आज गांव में आत्मीय को जमा करके ना प्रसाद वरसाद बांटेंगे, भजन लगाएंगे, बत्ती बालेंगे। मम्मी गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सबे जनालाय। सो गाइस, मम्मी आज पूजा के लिए सब तैयारी कर रहे हैं। लो डैडी जी, तो अभी ये थार निकालना पड़ेगा, आपका गाड़ी लेके आना पड़ेगा। ओ बर्फी आई जला। अपना थार को वहां पर ग्राउंड में डैडी जी की दुकान के आगे रहेंगे, फिर डैडी जी का गाड़ी लेकर पूजा वूजा करेंगे। सुबह का काम ऐसा ही है गाइस, आज का फिर से बोलेंगे जय श्री राम। डैडी जी जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे विलेज में सुबह सुबह गाड़ियां लग चुकी है टाउन मार्केट ऐसे जाने के लिए। तो चलो गाइस, अभी डैडी जी का गाड़ी ले जाएंगे घर में। लो डैडी जी जय श्री राम, राम जय श्री राम, नाम लेके पूजा करेंगे अच्छे से। सो चलो गाइज, अभी सुबह सुबह अपना नया गाड़ी का पूजा हो रहा है। गाइज, डैडी जी का बैलून भी सूख गए, डैडी जी का नए गाड़ी का बैलून सूख गए। चलो गाइस, अभी सुबह सुबह गाड़ी का पूजा भी हो गया है एंड अभी डैडी जी कर रहे हैं अपना गाड़ी का स्टार्ट। पहले ये लगाएंगे, उसके बाद डैडी जी कांग्रेचुलेशन फिर से वंस अगेन। थैंक यू। मंगल
आज का सुबह का पूजा भी हो गया कम्प्लीट। फिर अब अगले नेक्स्ट गाड़ी में मिलेंगे, नेक्स्ट गाड़ी का पूजा में। तो गाइज अभी घर का भी थोड़ा बहुत यहाँ पर काम था ना, तो एक्चुअली बाथरूम का थोड़ा बहुत रिपेयरिंग पाइपलाइन वगैरह देखना था, तो स्पेशल हमारा प्रोफेशनल प्लम्बर भाई साहब आ गया है। सो अभी यहाँ पर लाइन वाइन चेक करना है गाइज, पूरा पूरा का पूरा चेंज करूँगा ये अंदर का पूरा बाथरूम का ना, तो वही काम देख रहा हूँ। और गाइज अभी यहाँ पर ना पूरा भजन भजन बजा रहे हैं, इसीलिए ब्लॉग में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद में। एंड गाइज देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, एकदम माहौल अच्छा है गाइज। यो माथिको सबै हटिन्छ ल, अब एउटा लाइन आउँछ त्यहाँ दुई दुई वाला लाइन आउँदैन। घर का भी थोड़ा बहुत प्लानिंग चल रहा है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये वाला रूम में, और यहाँ पर अभी तीन रूम है एक्चुअली, तो दो रूम में मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर एक्चुअली बाथरूम ऑलरेडी सब सेट है, लेकिन यहाँ पर कुछ ये जो पाइपलाइन का ना दिक्कत है, इसीलिए ये सब काम अभी होने वाला है। सो ऑलमोस्ट लग जाएगा गाइस एक महीने जैसे, तो आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। सो चलो अभी तो ऐसा है गाइस, रूम ऐसा पड़ा हुआ है, गाँव में आफ्टरनून में थोड़ा बहुत प्रोग्राम भी है, प्रोग्राम इन सेंस गाइस यहाँ पर पूरा दिया विया जलाएंगे, आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण मतलब ओपनिंग हो रहा है ना उसके लिए, और यहाँ पर देखो माइक वाइक भी लगाया है, तो यहाँ पर होगा गाइस छोटा सा प्रोग्राम। तो गाइस सुबह उठ के इतना ज्यादा बिजी हो गया ना, मतलब देखते देखते टाइम कब चला गया पता ही नहीं चला। तो गाइस एक्चुअली मुझे आज शादी में जाना है, तो थोड़ा बहुत अपना गाड़ी को वॉश कर लेते हैं। एंड मम्मी जी आज सुबह सुबह बना रहे स्पेशल साग, आलू एंड साग, आलू साग खाना आज। ये कौन सा आलू है, छोटा छोटा आलू है मम्मी, नया आलू गाइस, आलू भी नया और पुराना होता है, और दूसरा एक पहाड़ी आलू एक मधेश का आलू, मतलब आलू का भी बहुत ज्यादा वेराइटी होता है गाइस। तो ये वाला जो है ना छोटा छोटा वाला आलू, ये वाला नया आलू, और ये बहुत टेस्टी आलू होता है। वाओ। तो चलो गाइस अभी पहले गाड़ी वाली धो लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। वैसे गाइस गाड़ी उतना गंदा तो नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत साफ करके जाने में मजा आता है ना, तो थोड़ा बहुत ही अच्छे साफ करेंगे, पिछली बारी तो वॉश करके रखा था मैंने। सो गाइस देखो अपना गुरस एकदम साफ होके टिलिक का हो गया है, देखो गाइस कितना ज्यादा चमक रहा है ना, आई लव यू गुरस। सो गाइस चलो अभी खाना भी आ गया है, लंच टाइम हो गया है, मम्मी ने स्पेशल, ओ भाई आज तो आलू साग भात। सो चलो गाइस अभी खाना वाना खा के भी मतलब एकदम रेडी शेडी होके निकल गया हूँ, निकल रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे टाउन में ना शादी में अटेंड करना है, एंड वहाँ पर शादी में कलिंग से बसंत जोजो फिर जोडिंदा एंड आलोक भी आ रहे हैं, तो आज उन लोगों से उन लोगों के साथ मुलाकात होगा। एंड गाइज अगर हो सके तो आज मैं टाउन में स्टे करूँगा, तो चलो अभी निकलते हैं, लेट भी हो गया गाइज। ल मम्मी गोको ल, बाय बाय, लाइफ। थोड़ा सा मुँह धो लिया था ना, तो इसलिए ये टीका निकल गया, फिर से लगा रहे टीका। क्यों इतना देर हो गया, अब थोड़ा सा लेट ही होगा ना। और आपका शाम का प्रोग्राम क्या हुआ, कितने बजे होगा वो दिया जलाने वाला प्रोग्राम? 3 बजे से शुरू। ल बाय बाय, हैप्पी जर्नी, ओके थैंक यू। तो गाइस अभी फाइनली निकल रहे हैं, एंड गाइस अभी आप लोग एक चीज दिखाऊंगा, ये देख लो भाई ये अपना गुरास थार, और ये अभी दादी जी का नया गाड़ी। सो गाइस अपना थार का तो नाम रख लिया है गुरास, सो अभी इसका नाम रखना बाकी है। सो आप लोग भी थोड़ा कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा सजेशन देना कि इसका नाम क्या रखूं, तो इसका ना मैंने कलर और आप इसका जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से मैंने गुरास रखा है। गुरास का मीन्स रोडोडेंड्रन फ्लावर, जो कि पहाड़ों में उगता है, माउंटेन में उगता है, तो ये थार तो माउंटेन में चढ़ने वाला गाड़ी है ना, इसलिए मैंने इसका नाम गुरास रख दिया। तो अभी ये बुलेरो पिकअप वाइट वाला 4x4 ही है अभी, तो चलो इसका नाम क्या रखेंगे, तो दो तीन दिन के बाद इसका भी नामकरण कर ही लेंगे गाइस, आज पूजा हो गया, नामकरण दो तीन दिन में करेंगे, तो चलो आप लोग बता देना इसका नाम क्या रखूँ, गुरास और क्या होगा पता नहीं, तो चलो ओके बाय बाय, तेरा नाम अभी तो नहीं है फिर भी बाय, चलो अभी गुरास को लेके जाते लो, डैडी जी गए मामा गए लो बाय। इसका तो गुरास होगा ना, इसका नाम क्या रखना है सोच के रखना, ठीक है अब सब मिलके इसको डिस्कस करवाएगा, ठीक है लो।
सो गाइस अभी मैं पहुंच गया घूम और यहाँ पर ना एक्चुअली मैं श्री राम जी का ये जो झंडा होता है ना ध्वजा वो ढूंढ रहा था, तो अभी यहाँ पर एक दुकान में मिल गया है, तो चलो अभी यहाँ पर खरीद के शायद यहाँ पर आएगा तो लगाऊंगा। चलो देखते हैं। भैया ए भाई ए कृष्णा बोल सही ना वो। चलो गाइस राम जी का एक झंडा मिल गया और ये एक्चुअली ऐसे लगाने वाला है ना, तो यहाँ पर ऐसे मेरा पाइप वाइप तो नहीं है तो यहाँ पर तो नहीं आएगा, तो मैंने एक जुगाड़ किया। चलो इसको यहाँ पर ऐसे निकालते हैं। हाँ ये वाला निकाल दिया, फिर ये झंडा भी निकल जाएगा। ये झंडा निकल गया और ये मैं यहाँ पर लगाऊंगा, अभी इसके ऊपर ये कैप लगाऊंगा। सो अभी हवा से भी नहीं निकलेगा, देखो हो गया, राम जी आ गए हमारे थार में। चलो तो गाइज अभी यहाँ पर मेरा ना अमेजोन का कुछ प्रोडक्ट आया है तो वो पिकअप करके एंड बस जो फ़ोन किया था वो भी सब लोग अभी होटल में चेक इन कर चुके हैं, सो मैं थोड़ा सा लेट हो गया। चलो अभी सामान वामान लेके निकलते हैं। सो गाइज अभी देखो ये तो अभी तो बहुत बड़ा बड़ा सामान आ गया, एक दो तीन, तो ये वाला छोटा है, दो तो बड़े बड़े है। तो चलो इसको अभी गाड़ी में लोड करते हैं। फाइनली सामान मिल गया है। चलो गाइज आज के वीडियो में यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो यस गाइज उम्मीद करते हो कि आप लोगों को आज का छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइज। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए दर्शन ब्लॉग्स। जस्ट एंजॉय योर लाइफ, बी हैप्पी, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस। बाय बाय गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। सो गाइज आज का वीडियो कंटिन्यू होगा, बसंत जोजो के साथ मिलूंगा, फिर वहाँ पर शादी में जाऊँगा। सो नेक्स्ट वीडियो में देख लेना गाइज़।